इजराइल और हमास के युद्ध ने दुनिया की शांति भंग कर दी है। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के साए में जीने लगी है, क्योंकि एक तरफ अरब वर्ल्ड इजराइल के खिलाफ लामबंद होकर उसे घेरने की रणनीति बना रहा है, तो दूसरी ओर सुपर पावर अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ मैदान में उतर आया है। दरअसल इसराइल को लेकर के अमेरिका की पॉलिसी एकदम साफ है, जो उसका दुश्मन है, जो इसराइल का दुश्मन है, वो अमेरिका का भी दुश्मन है। और यही वजह है कि इस मौके पर इसराइल में अमेरिका के दो मंत्री पहुंचे हैं और उन्होंने ये बात शीशे की तरह साफ कर दी है कि इसराइल के खिलाफ जो है वो अमेरिका के भी खिलाफ है और अमेरिका उसे बख्शने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अमेरिका और इसराइल ने ऐलान किया है कि जैसे आईएसआईएस को खत्म किया, वैसे ही हमास को भी खत्म करके ही दम लेंगे। ये उन तमाम देशों के लिए भी चुनौती है जो हमास के साथ खड़े हैं और पर्दे के पीछे से उसकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि अब अमेरिका ने अपने महाविनाशक हथियार गेराल्ड फोर्ड को भूमध्य सागर में तैनात कर दिया है। जो इसराइल का सुरक्षा कवच और हमास के लिए लक्ष्मण रेखा है। एक्सपर्ट्स की माने तो गाजा पट्टी पर जल थल नभ तीनों से हमला करने की तैयारी है, क्योंकि गेराल्ड फोर्ड दुनिया का सबसे बड़ा जंगी पोत है। इसमें अत्याधुनिक मिसाइलें लगी हैं जो दुश्मन का बैठे बैठे काम तमाम कर सकती हैं। ये इतना बड़ा है कि इससे फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर भी उड़ान भर सकते हैं। इसका रडार सेंसर इतना ताकतवर है कि इनकी ओर देखने वाले को आसमान, समुद्र और जमीन पर ही धूल चटा सकता है। अगर गलती से कोई इसके पास तक पहुंचने में कामयाब भी हो गया, तो अत्याधुनिक हथियारों से लैस सैनिक उसे निपटाने में वक्त नहीं लगाएंगे। मतलब अमेरिका ने अपना सबसे मजबूत बेड़ा इसराइल की सुरक्षा में लगा दिया है। अब इंतजार है तो सिर्फ एक्शन का। अमेरिका ने जो हथियार इसराइल को भेजे हैं, उनमें से ऐसे भी हथियार हैं जो तय वक्त से बेहद कम में ही इस जंग को खत्म करने की कुव्वत रखते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 8 से 10 हजार अमेरिकी सैनिक युद्ध के साजो सामान के साथ इसराइल के आसपास समुद्र में तैनात हो चुके हैं। इसराइल पहुंचे अमेरिकी बेड़े में पांचवी पीढ़ी के F-35, F-A-18 सुपर हॉर्नेट, E-2D एडवांस्ड हॉकआई, E-18G ग्रोलर इलेक्ट्रॉनिक अटैक एयरक्राफ्ट और MH-60RS हेलीकॉप्टर शामिल है। इसराइल को जितनी मदद अमेरिका से मिल रही है, उतनी ही मदद फ्रांस और जर्मनी से भी मिल रही है। हम बात अगर जर्मनी की करें तो जर्मनी ने हेरोन सीरीज के 2 ड्रोन इसराइल को देने का फैसला किया, जिससे कि सीमाओं पर जो निगेबानी है वो और भी ज्यादा मजबूत की जा सके। हाईटेक हथियारों से लैस इस ड्रोन की कई खासियतें हैं। सबसे बड़ी ये कि ये रडार में नहीं फंसता और बड़े से बड़े मिशन को अंजाम दे सकता है। जरूरत पड़ने पर हमला भी कर सकता है। मतलब इसराइल के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। इसराइल को करीब 82% हथियारों की सप्लाई अमेरिका से होती है, जबकि 15% से ज्यादा हथियार उसे जर्मनी से मिलते हैं। इसके अलावा 2.6% इटली से, जबकि 0.2% कनाडा और 0.1% हथियार उसे फ्रांस से मिलते हैं। अब ये सारे हथियार एक साथ हमास पर मौत बनकर टूटेंगे।